हेलो एवरीवन, मैं शुभ्रा और आप देख रहे हैं द कैमरा स्टोरी। और हमारे खूबसूरत दिन की शुरुआत हो गई है। आपको दिखाएंगे मेरा आज का दिन कैसा होने वाला है। जलेगा? नहीं, जल नहीं रहा। मैंने बहुत डेब्यू किया है। आई वांट टू बेसिकली गेट अवे द क्रीम। अब दर्द हो रहा है? जलन हो रही है? दर्द हो रहा है? दर्द, जलन नहीं हो रही। दबाने से दर्द हो रहा है? अदरवाइज जब तुम ठंडा पानी मारते हो ना, तब इवन फिर भी थोड़ा सा लगता है, मगर ये नहीं लग रहा। नहीं, ये टच हो रहा है ना, तब दर्द हो रहा है। नर्व एंडिंग्स ओपन है ना हल्की हल्की। अब लग रहा है भयानक। लखनऊ में मेरे पैर का जो हाल हुआ था वो तो आपने देखा ही था। अभी तो बस उसकी थोड़ी सी मरहम पट्टी चल रही है। अभिनव ने ये सारा को डिटॉल से साफ किया है और अभी कोई तो पता नहीं क्या ड्रेसिंग बता रहे हैं कि वो कुछ होती है वो लगा देंगे तो प्रोटेक्टेड रहेगा। तो अभी वही ड्रेसिंग लेने गए हैं। बाकी हम लोगों को पहुँचना है एक मीटिंग में। ये मीटिंग काफ़ी टाइम से टल रही है और हमारी बीच में ये ट्रिप प्लान हो गई जिसकी वजह से ये टल गई। तो आज फटाफट बस ये मीटिंग कंप्लीट करते हैं और आपको गुड न्यूज़ देते हैं कि ये डील डन हो गई। वहाँ नहीं मिला, यहाँ दिखता हूँ, अदरवाइज वहाँ जाना पड़ेगा। अभी एक आगे मेडिकल स्टोर है, यहाँ पे देखते हैं कि अगर मिल जाए। अभी ये लगाओ, ये मिल गई बढ़िया चीज। अच्छा, वो नहीं मिली, वो ड्रेसिंग जो बता रहे हो लॉट पे मिलेंगे। अच्छा, ये पोवोडोन आयोडीन है, दिस इज एन एंटीसेप्टिक क्रीम। तो तुम्हारे वुंड्स को ना खुला छोड़ नहीं सकते, उसमें मक्खी वक्खी बैठ गई कि मक्खी ने अंडा दे दिया, इन्फेक्शन हो जाएगा बिना बात के। क्रीम लो अपनी उंगली से, बस इतना बहुत है। ये ढंग से लगा लो, कवर कर लो उसको, पतली सी लेयर ही चढ़ जाएगी उस पे, बहुत है। मीटिंग मेरी अच्छी हो गई, बुकिंग नहीं हुई है, बट चांसेस मुझे लग रहे हैं कि बुकिंग डन हो जाएगी। और अभी मैं जा रही हूँ मेरी मम्मी के पास। पापा से एक बार मिल के आती हूँ, देख के आती हूँ कैसी है तबीयत। मम्मी पापा से मैं मिल ली, बहन ने काम दे दिया है कि उनके टैबलेट में मूवीज डलवानी है और बस फटाफट अब पहुँचते हैं घर क्योंकि आगे का दिन बहुत हेक्टिक है। आज पापा से मिली ना, बहुत मन अजीब सा हो रहा था, बहुत कमजोर हो गए वो। लेकिन यार ऑप्शन ही नहीं है ना कि उनको इस हालत में देखना ही है, अदरवाइज क्या करेंगे। उनको जरूरत है हमारी। बड़े होने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि हम अपने स्ट्रॉन्ग माता पिता जो बचपन में हमारे हीरो होते थे, मतलब हमें लगता था कि कोई भी चीज़, स्पेशली पापा की, पापा तो ये कर ही देंगे कोई भी, मतलब पापा एक्चुअली हर बच्चे के सुपर हीरो होते हैं, और उनको हम कमज़ोर होते हुए देखते हैं, बूढ़ा होते हुए देखते हैं, एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए दूसरे पे निर्भर होते हुए उनको देखते हैं, जिन पे सब निर्भर हुआ करते थे, पूरा घर पापा पे निर्भर होता था। आज वो टेबल से एक ग्लास भी उठाने के लिए किसी पे निर्भर है। The next day. ये समाचार अपार्टमेंट वाली जो मार्केट है वहाँ जाना है। पापा से मिलने के लिए मैं निकल गई हूँ और उससे पहले बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है। इम्पोर्टेंट काम ये है कि मैंने देखा था पापा ने न्यूज़पेपर पढ़ने का थोड़ा सा ट्राई करा थे जब वो थोड़ा बेटर हुए, लेकिन वो बहुत जून से पकड़ नहीं पा रहे थे। तो मैं सोच रही हूँ कुछ मैगजीन्स उनके लिए ले लेते हैं, थोड़ा सा बेटर होंगे तो बैठ के थोड़ा पढ़ने का मन बहल जाएगा। भैया इस महीने की इंडिया टुडे दिखा दो, हिंदी में देना। इंडिया टुडे और इस तरह की और है कोई मैगजीन, इंडिया टुडे टाइप की जो अभी मतलब करंट न्यूज़ वाली हो, दिखा दो हिंदी में क्या क्या है अपने पास। इंडिया टुडे ले लेती हूँ पापा के लिए और देखते हैं एक दो और मैगजीन कुछ अच्छी मिल जाएं। कौन सी है? हाँ ये कुछ है बढ़िया न्यूज़ वाली है, ये भी सही है। ये क्या है? सीड मैगजीन ले लिया और अब बस फटाफट पहुँचते हैं हॉस्पिटल। बस पहुँचते हैं फटाफट हॉस्पिटल, होपफुली पापा की तबीयत ठीक हो। मम्मी कह रही हैं जैसी है जैसी
वो कहते हैं ना, रास्ता बता देना। हाँ भैया मैं आपको रास्ता बता दूँ, चलो उतना पता नहीं है ना। जी 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 मैं आपको बताती हूँ। वो कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा। अभी सिर्फ मुझे खुशी इस बात पे हो रही है कि सिचुएशन बिगड़ी नहीं है और मतलब वो सबको पहचान रहा है। मैं हर रोज वो वाली लिफ्ट लेती हूँ जो इस फ्लोर पे नहीं आती, जिस पर पापा आएंगे। इस फ्लोर पे मुझे हमेशा सीढ़ियों से आना पड़ता है। पापा से मैं मिलके आ गई और अभी बस जा रही हूँ वीर को उसकी ट्यूशन क्लास से लेने। और आज पता मुझे एक लड़का मिला और मैंने पता है क्या किया है, मैंने उसे दो मेट्रो कार्ड ब्लैक में खरीदे हैं, जो ओरिजिनल मेट्रो के ओरिजिनल कार्ड हुआ करते थे। अब ये एयरटेल वालों ने ना बड़ा स्यापा मचा के रखा हुआ है। ये पकौड़े के साथ मिर्ची का चाट बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी ने बहुत अच्छे से पकौड़े खिला के मेरा मूड अच्छा कर दिया। और इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करेंगे इस उम्मीद से कि कल का दिन पापा की हेल्थ के लिए थोड़ा सा और अच्छा होगा। आपसे मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।